लॉरेंस बिश्नोई और गोगी गैंग का राइट हैंड दीपक बॉक्सर गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस और FBI का ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ, जिसके बाद ये कामयाबी पुलिस के हाथ लगी और दीपक बॉक्सर को गिरफ्तार कर लिया गया है। दीपक बॉक्सर को मेक्सिको से गिरफ्तार किया गया है। गैंगस्टर दीपक को मेक्सिको से दिल्ली लाया गया, फर्जी पासपोर्ट के सहारे विदेश भागा था गैंगस्टर दीपक। कई संगीन अपराधों में शामिल है गैंगस्टर दीपक। हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला गैंगस्टर है और पुलिस के हाथ ही बड़ी सफलता लगी। गैंगस्टर दीपक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कई संगीन अपराधों के तहत उस पर मामला भी दर्ज है, जिसके तहत लगातार देखिए पुलिस जो है गैंगस्टर दीपक की तलाश कर रही थी और आज पुलिस के हाथ ये बड़ी कामयाबी लगी। आपको बता दें कि दिल्ली अब लाया गया है और लॉरेंस बिश्नोई गोगी गैंग का राइट हैंड बताया जाता है। ये गैंगस्टर दीपक को मेक्सिको से दिल्ली लाया गया है। आज सुबह 4:40 पर दिल्ली एयरपोर्ट पर लाया गया, जिसके बाद अब जो है इससे पूछताछ की जाएगी। लेकिन कई मामलों में ये वांछित चल रहा था, लगातार पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। फर्जी पासपोर्ट बनाकर वो विदेश भाग गया था और आपको बता दें कि मेक्सिको से भी वो भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस को सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने FBI के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया और बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस के हाथ लगी है। अब पुलिस की गिरफ्त में है गैंगस्टर दीपक बॉक्सर। लगातार पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई थी। आपको बता दें कि दिल्ली के एक शख्स को मारने का आरोप इस पर लगा था और लगातार इसके बाद से ही पुलिस इसकी तलाश कर रही थी और आज पुलिस के गिरफ्त में है दीपक गैंगस्टर दीपक। और आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई और गोगी गैंग का राइट हैंड बताया जाता है दीपक बॉक्सर। और मेक्सिको जाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने ही इसकी मदद की थी, हालांकि लगातार इसकी पुलिस तलाश कर रही थी और उसके बाद आज पुलिस के गिरफ्त में है। और विनय सिंह हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय, गैंगस्टर दीपक पुलिस की गिरफ्त में है, क्या ताजा अपडेट इसे लेकर? देखिए बिल्कुल, ये एक बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस बता रही है, क्योंकि NCR में जिस तरह से दीपक के खिलाफ कई मामले दर्ज थे, तलाश थी और उसको FBI और इंटरपोल की मदद से पकड़ा गया है, लाया गया है आज सुबह दिल्ली। अब चूंकि कई मामले दीपक के खिलाफ दर्ज थे और पुलिस कह रही है कि एक बड़ी कामयाबी, एक बड़ा गैंगस्टर पुलिस के हाथ चढ़ा है, तो अब कोर्ट में पेश किया जाएगा। और पुलिस के मुताबिक जब दीपक भारत से भागा था तो वो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बरेली गया, वहां से एक फर्जी पासपोर्ट बनाया जिसकी मदद से वो इस्तांबुल होता हुआ विदेश भाग गया। और अब जब पुलिस का कहना है कि कई मामले चूंकि दर्ज हैं दीपक के खिलाफ, तो ऐसे में एक बड़ी कामयाबी। और ये भी पुलिस के पता चला है कि कई जो अन्य जो गैंगस्टर हैं, अब धीरे धीरे उनके भी कई राज जो कि दीपक खोलेगा। दीपक को लगातार चेस कर रही थी पुलिस और जब इंटरपोल और FBI की मदद मिली तो ये दीपक को पकड़ पाया गया। और पुलिस कह रही है कि बाहर देश से किसी गैंगस्टर को पकड़ के लाना अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है और वो दिल्ली पुलिस ने कर दिखाया है। अब जो आगे की प्रोसीडिंग है पूछताछ की और कोर्ट में पेश करने की, दिल्ली पुलिस अब वो तमाम जो प्रक्रिया है वो शुरू करेगी। लेकिन दीपक को पकड़े जाने के बाद ये जरूर साफ है कि जो अन्य जो गैंगस्टर है जिनके दीपक से संबंध है उनको भी जल्द अब दिल्ली पुलिस नकेल कर सकेगी। जी विनय, जरा ये विस्तार से बताइए, क्योंकि देखिए लगातार पुलिस को चकमा ये दे रहा था, लेकिन आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में है, कैसे पुलिस को सफलता मिली, किस तरीके से ऑपरेशन चलाया गया और आखिरकार जो ये गैंगस्टर है पुलिस की गिरफ्त में है? देखिए चूंकि जो गैंगस्टर हैं जो बाहर भाग जाते हैं उसको लेकर पुलिस की तरफ से, जिस स्टेट के तरफ से, जबकि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की जो टीम है लगातार दीपक को चेस कर रही थी, चूंकि उसका दिल्ली समेत NCR में भी कई मामले दर्ज थे, आपराधिक मामले दीपक के खिलाफ दर्ज थे, तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम लगातार दीपक को चेस कर रही थी। पुलिस को चकमा देते हुए फर्जी पासपोर्ट के जरिए वो विदेश भाग गया। और चूंकि जब इस तरह के जो गैंगस्टर हैं जब विदेश भागते हैं तो अन्य देशों में भी जो एक जो लिस्ट है गैंगस्टर की वो जारी की जाती है, और जब पता चला कि दीपक मलेशिया के में है तो वहां पे जो इंटरपोल है यानी कि जो इंटरनेशनल पुलिस है उसकी मदद स्पेशल सेल ने ली, साथ ही साथ जो FBI है उसने भी यहाँ पे स्पेशल सेल जो कि दिल्ली पुलिस है उसकी मदद की, और जिसके बाद दीपक को पकड़ने में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। ठीक है, बहुत शुक्रिया विनय तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस को बड़ी कामयाबी लगी है, अब पुलिस जो है पूछताछ करेगी गैंगस्टर दीपक से, जिसके बाद कई राज भी सामने आ सकते हैं, क्योंकि राइट हैंड बताया जाता है लॉरेंस बिश्नोई और गोगी गैंग का। ऐसे में देखना यही होगा कि जब पुलिस पूछताछ करती है दीपक से तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है।